हिंदी गाना ये गाया हूँ मैं। आदित्य भाई हमारे इस गाने को सजाए हैं, पायल जी गाई हैं, पवन सिंह गाए हैं, लॉरेन जी ने साथ में काम किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला गाने का। 3 दिन नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सारे लोग जस्ट म्यूजिक परिवार से जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा। जैकी भाई जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं और सब लोग खुश हैं। सब लोग होली मना ही रहा है, हमारे लिए आज ही होली है। पवन सिंह और जैकी जी पहली बार हम लोग मिले और पहले मुलाकात में ही बहुत अच्छी हमारी दोस्ती हो गई और बहुत अच्छा लगा एक दूसरे को मिल के। मैंने एक ट्रैक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला भैया मैं इसी पे मैं गाऊंगा और इसी से एंट्री करूंगा आपकी कंपनी में, और आज हमारा म्यूजिक सक्सेस हो गया तो हम सब के लिए खुशी की बात है। He's a superstar, but still like that ego wasn't there, which is great. Like superstar, star power for sure, but like ready to work and collaborative. So I was happy. Amazing, like I just said, it was easy. We were ready to collaborate together and work together and create this awesome, huge holy song for the entire nation to go crazy over. So yeah, it was a wonderful experience. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है हर जगह से, एवरीवेयर पीपल आर प्रेजिंग द सॉन्ग लिटरली। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लाइक आई एम वर्किंग विद पवन भैया एंड लॉरेन, या आई एम यू लाइक ह्यूज फैन बोथ ऑफ यू। एक्चुअली इट्स आ क्रश यू कैन से, बिकॉज आई विल टेल वाई, because I saw that video, Mercy on Me, like that, and I was like crazy fan of yours from that. And bhaiya ka song it's lollipop lagelu to wo to end hai, to mujhe na ekdam se jab ye jaise just music se jab mujhe call aaya, disha ne call kiya, unhone bola ki aisa aisa we are planning, and I said yes let's do it because it will be a great collaboration, kyunki isse pehle hua nahi hai, and I am really हैप्पी कि मतलब मैंने कंपोज किया है एंड भैया ने गाया है, तो भैया के साथ करना भी इट वाज माय ड्रीम ऑफ कोर्स, बिकॉज़ हम लोग इनके बहुत बड़े फैन हैं एंड ऑफ कोर्स थैंक यू दिस इज लाइक माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद जस्ट म्यूजिक आल्सो, एंड ये बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग है, कभी ऐसा लगा नहीं हमें, इट्स लाइक अ फैमिली। हां बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है कि मतलब यहाँ जुड़ के ये फील ही नहीं हुआ कि मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ, और मैं कहीं पे प्रोड्यूसर और एक्टर वाला फील नहीं आया। वाकई में लगा कि हाँ ये एक फैमिली है, हम लोग एक परिवार से हैं। शुरू हो गए तब बेकरेंट थोड़े हुई, तो चलते रहे, ये चलता ही रहेगा। वैसे तो भैया को पहले ही आना चाहिए था, इन्होंने खुद ने लेट किया है, एंड लाइक थैंक्स टू जस्ट म्यूजिक, उन्होंने पता नहीं कैसे आपको एग्री कराया, एंड थैंक यू सो मच, आपने लाइक दिस इज माय फर्स्ट सो एंड ही सो शाय, इट्स लाइक शेकी, लाइक इट्स सो फनी, इट्स सो मच प्रेज। हम लोग पब्लिक नहीं, पब्लिक मेरे लिए भगवान है, ऑडियंस ही मुझे सिंगर बनाया, एक्टर बनाया। अरे क्या गिरा था ये, ओके कंटिन्यू, वो है क्या? नहीं नहीं, वो फ्रेम में वो नहीं है ना। तो हम लोग जिस दिन जो शूट करते हैं ना, जैसे नवरात्रि का गाना हो गया, छठ का गाना हो गया, हम लोग होली का गाना किए, कमरिया हिला रही है, तो हमारे लिए तो होली के दिन भी हम लोग होली मनाएंगे, लेकिन हम लोग जिस दिन शूट किए और हमारे गाने का जो रिस्पांस मिल रहा है, तो हम लोग होली ही मना रहे हैं। ये हमारे लिए अभी भी होली ही चल रहा है, हम लोग होली ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। किशन जी भी आ चुके हैं, बिग बॉस हम टिप्स क्या लेना है, जब जब जौन चीज के समय मिलता है, जब जो बातें बन जाती हैं तो हम लोग काम करते हैं। वो किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने वो किया तो मैं ये करूं, उन्होंने वो किया तो मैं ये करूं, ऐसा कुछ नहीं। एंड इसके बाद काफ़ी गाने आने वाले हैं, बट दिस वाज द रिव्यू ओनली। बहुत सारा मैटर आया मेरे पास, 10 गाना मेरे पास आया, लेकिन मैं बोला कि नहीं ये नहीं गाऊँगा, लेकिन
मुझे पता चला ये गाना पायल जी लिखी है, कमरिया हिला रही है, मैंने बोला हाँ ये गाऊंगा। एंड हमने भैया के लिए स्पेशली ये सोच के लिखा, लाल लिपस्टिक देखे देख के हो गया सारा डिस्ट्रिक क्रेजी, क्योंकि इनके ना उसने लॉलीपॉप में इट वाज देयर, तो हमने ना वो सोच के, क्योंकि वो सिग्नेचर है भैया का, तो हमने वो रखा था सोच के। एंड भैया को आइडिया बहुत अच्छा लगा, देन वी वेंट अहेड विद दैट। गाने का जब मैं, सॉरी आपकी बातों को सॉरी काट दिया, सॉरी, इस गाने का सूट जिस दिन था ना, तो मुझे लगा यार मुझे, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मैंने सोचा काम करना है साथ में, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, अगर कुछ बताना भी होगा या इनको कुछ बोलना होगा तो मैं इनको कैसे बताऊंगा, ये हमको कैसे बताएंगे। लेकिन लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हम लोग बहुत अच्छे से काम किए साथ में, और मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जिस दिन हम लोग शूट कर रहे थे। ये इंडिया से बाहर की हैं और इनको पता है कि लॉलीपॉप लागेली जो गाना गाया है एक्टर, मैं उसके साथ आज गाना शूट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी फील हुई कि चलो यार कम से कम भोजपुरी का ये पहला गाना है जो इसके लिए भोजपुरी मायने नहीं रखता। ये पूरे वर्ल्ड में अगर किसी चीज़ को अगर जाना जाता है कि भोजपुरी 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 मतलब लॉलीपॉप, तो एक आर्टिस्ट को दो दिन भोजन न मिले चलेगा, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो काम सफल हो जाए, सफल तो हो जाए, वो वही हमारे लिए सबसे बड़ा When they said Pavan Singh lollipop, I was like, what? I'm doing it. मैं वो डीजे वाले पार्ट से गा लेती हूँ। वैसे मैं डीजे बनी हूँ, फर्स्ट टाइम आई आई शूटेड अ लाइक डांस वीडियो, मैंने इससे पहले बिल्कुल नहीं किया, सैड सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग किए हैं मैंने, बट दिस वॉज माई फर्स्ट डांस वीडियो। She acted very well for being her first one. Actually, Lauren is saying that, but I don't trust it still. I don't really? Just give out compliments. I tell the truth. It's honestly like someone came up to you. Who comes up to you in the beginning? Is it Pavan sir that comes yeah, in? Yeah. And then you're just like. I was doing wrong, but Mudar sir bhai told me ki thoda aise expression. Maine kaha okay, I'll try to do that. You did. It's very hard to act. You nailed it. हेलो लॉरेन जी, हाँ जी, एक लाइन हिंदी बोलिए ना। अरे आपने हाँ जी बोला। You show respect, I show respect back. शूटिंग पे थोड़ा हम लेट पहुंचे थे। तो you reached late. Yeah. Cause he's starring in it. लेकिन आपने कमाल का डांस किया है। मैं वीडियो देखा, वीडियो देख के मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, यार ये मैं हूँ और ये वही लड़की है जो मेरे साथ गाना की है, इतना क्या आपके डांस में क्या एनर्जी है, बहुत सुंदर। You know, we were shooting until like 2 in the morning and I remember I'm like, people are going to sit and they're going to be watching this and they don't know like any of that stuff, so you got to just let them सीखिए जाए। One day. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.